आजादी कश्मीर में नहीं है, शहर वालों का जो बर्बाद हो चुके हैं। हम खुद कशिश करेंगे यार, हम खुद कशिश करेंगे। हम तमाम वैली ग्रोवर फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन यहां पे जमा हुए प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। 15 दिन से एहतजाज पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मसला ये है कि नेशनल हाईवे 44 2000-3000 गाड़ियां वहां पे जमा होती है, 10 दिन के बाद सड़ता है, माल फेंकना पड़ता है। आज कोई तकरीबन 10 फ्रूट गाड़ियां मंडी में हमने वापस बुलाए जिनको आज हमें फेंकना है, क्योंकि उनमें कुछ बचा ही नहीं है। बड़ी मेहरबानी गवर्नर साहब, हमारी बात सुन लीजिए। गवर्नर साहब, हम आपके पास आए हैं, आप हमें मुलाकात भी दे दीजिए, क्योंकि हम परेशान हैं। हमें ये परेशानी में मत डालिए आप। अगर आप यहाँ के हाकिम हो, हुक्मरान हो, मगर आप हमें इस तरह नहीं छोड़ सकते हो। अगर हमें छोड़ना ही है, मारना ही है, तो ये जय जवान जय किसान का नारा वापस ले लीजिए। जम्मू और कश्मीर के किसान को बचाओ, बचाओ। जम्मू और कश्मीर के किसान को बचाओ, बचाओ। जो किसान है वो मर गए, आप समझ लीजिए। फ्रूट ग्रोवर्स बिल्कुल इस वक्त मरे पड़े हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो हमें, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, किसानों की जरूरत है, आप किसान बचाओ बोलते हैं, आप जय किसान जय जय जवान बोलते हैं, तो ये आज जय जवान जय किसान कहां गया है? करीबन 70% लोग को इससे वाबस्ता है, लेकिन 2014 से कंटिन्यूसली फ्लड आ गया, उसके बाद अनरेस्ट आ गया, उसके बाद अर्ली बर्फबारी होगी, उसके बाद कोविड आया। इस साल हमें उम्मीद थी कि इस फ्रूट इंडस्ट्री की जान में जान आ जाएगी, उससे पहले फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ट्रांसपोर्ट, बाकी चीज़ें जो है इसने इस सेब की कमर, तो आप देखें बारदाने का रेट हमारा कहाँ पहुँच चुका है। GST जो कार्डबोर्ड पे था 12%, इस साल 18% कर दिया है। हमने बार बार गवर्नमेंट से, हाई ऑफिशियल से बात की, IG ट्रैफिक से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, तमाम जो डायरेक्टर्स हैं, DC साहबान, SB साहबान, सबसे बात की, लेकिन बदकिस्मती है हमारी ट्रकों को जानबूझ के रोका जाता है। आप देखें डाउन ट्रैफिक जब होता है तो उस टाइम जाम हो जाता है, लेकिन जब अप ट्रैफिक हो जाता है तो उस टाइम कोई जाम नहीं हो जाता है। हमारी कार्डबोर्ड की गाड़ी दिल्ली से लोड होती है, तीसरे दिन वो कश्मीर पहुंच जाती है। रिदी की गाड़ी होती है, तीसरे दिन वो कश्मीर पहुंच जाती है। सब्जियाँ गाड़ियाँ 30 आती है, लेकिन हजारों गाड़ियाँ जो इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनका कत्लेआम किया जाता है, जानबूझ के उसको रोका जाता है। टनल के उस पर जो हमारे SSP शिविर मलिक, मैं कंडम करता हूँ उसका, कहता है कि जाम हो गया, अब ट्रैफिक में जाम क्यों नहीं होता है। मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से जब हम कॉल दे देंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का बाइकॉट करो इन लोगों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, BJP हो, जो भी पार्टियां हो, कोई भी इस सेब सनद की बात नहीं करता है। अगर कोई वोट डालता है तो ये सेब वाला वोट डालता है, लेकिन आज वो टस से मस नहीं होते। मैं अमित शाह जी से, अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि वो खुद मुदाखलत करके हमारी जान बच जाए, क्योंकि ये ग्रोवर बैंकों के कर्जों के नीचे दब रहा है। उसकी पहली उसके साथ वाबस्ता क्या हो जाएगा इस कश्मीर में, शहर वालों का जो बर्बाद हो चुके हैं। अभी आप देखो 12,000 गाड़ी हमारी खड़ी है, आप 8 लाख रुपए के हिसाब से जो लोग आएगा कितना बनता है, लोग जो है वो कर्जदार बन जाते हैं बैंकों का। बैंक वाले 4,000 के लिए 10,000 के घर में घुसते हैं इंटरेस्ट के लिए, करोड़ों रुपए हर महीने हमारा नुकसान हो रहा है। किसको बोले आप, किसको कहें, 3-4 लगातार कोसे एलजी साहब से मिलेंगे वो याद नहीं है, टेप शक्ति साहब से मिलेंगे वो याद नहीं है, कोई मिलता ही नहीं। किसको बोलेंगे, किससे बात करेंगे, किसको हम इस एप्पल वैली की फरियाद करेंगे, गौरों की फरियाद करेंगे, क्या करेंगे हम, उनके बच्चे इनसे वापस आए, लोगों का माल बगीचों में सड़ रहा है, लोग बाग काट रहे हैं। और आज हमारी सारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी हमदर्दी है फ्रूट ग्रोवर्स के साथ। यहाँ पे कश्मीर में तकरीबन 80% आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, और मुझे लगता है एक साजिश के तहत यहाँ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है,
इसको खत्म किया जा रहा है और जानबूझकर रास्ते में फ्रूट ट्रक्स को रोका जा रहा है। चार चार पांच पांच दिन वो वहाँ खड़ी की जाती है जिसकी वजह से फ्रूट जो है हमारा वो तबाह हो जाता है और यहाँ लोग कसम कुर्सी की हालत में है। हालांकि एलजी साहब ने कई बार ये ऐलान किया कि अब किसी ट्रक को नहीं रोका जाएगा लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम ये चाहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें मुदाखलत करें और यहाँ के गरीब ग्रोवर्स को बचाएं।